तो हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। और आज हम खेलने वाले हैं पैसिफिक ड्राइव। यार ये थोड़ा गेम ना बाकी गेमों से थोड़ा सा अलग है। ये एक यार एडवेंचर और सर्वाइवल गेम है, या ऐसा बोल सकते हो सर्वाइवर एंड एडवेंचर गेम है। इसमें थोड़ा सा अलग सीन है और इसमें यार कोई ना ऐसे मस्ती करने नहीं जा रहे कार और लेके, जैसे ड्राइव है या कहीं हम लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाएंगे, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये थोड़ा सा डेंजरस है, मतलब इसमें बहुत सारी अलग तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। रेडिएशन देखने को मिल सकता है, एलियंस देखने को मिल सकते हैं, कुछ ऐसी असीम शक्तियां देखने को मिल सकती है जो हमने कभी नहीं देखा हो, जो हमारे गेम को थोड़ा इफेक्ट डालता हो, मतलब थोड़ा डरावना तो हो सकता है। इस तरीके का ये गेम है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने गेम में। तो जैसा कि तुम देख सकते हो 1947 में ओलंपिक पेनेसुएला में कुछ तो टेक्नोलॉजी वाली प्रॉमिस करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसे रूमर्स हैं कि वहाँ पे कुछ चीज़ें बिगड़ गई। कुछ चीज़ें बिगड़ने के वजह से मतलब वो चीज़ें छिपा दी गई है। फिर गवर्नमेंट ने 1955 में क्या किया ना, उस पूरे जगह को जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसको एक बहुत बड़े वॉल से घेर दिया। लगभग 30 साल हो चुके हैं इस चीज़ को और वहाँ पे कुछ ना तो कुछ हो रहा है और गवर्नमेंट ने इतने सालों से ये बात छिपा के रखी है। तो यही है व्हाट हैपेंड इनसाइड वाज नेवर डिस्क्लोज, जो कि आज तक पता ही नहीं चला है, किसी को भी नहीं पता चला है, जो कि 30 साल गुजर चुके हैं इस चीज़ को होते हुए भी। तो हमको जहाँ तक लगता है ये जो मेरा जो कैरेक्टर है वो इस बात को जान चुका है और कि वहाँ पे चीज़ें क्या चल रही हैं, कुछ अनयूजुअल तो हो रही हैं। और जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे पानी वानी कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, हमें जगह का एड्रेस पता है और कैसे क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पता है, और वहाँ पे लोगों को जाने नहीं दिया जाता। तो अभी देख सकते हो जैसे कि 1998 चल रहा है और यार ये साउंड यार काफ़ी वो है, अनोइंग है। तो हम द बैरिंग वॉल पे, हमने म्यूजिक ऑफ किया हुआ है पर फिर भी पता नहीं कैसे म्यूजिक आ रहा है। पता नहीं ये क्या रेडियो है क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे बच सकता है, मैंने तो बंद करके रखा हुआ है यार। तो ये देख सकते हो हमारे पास इस तरह का गाड़ी है, कुछ ठीक ही ठाक गाड़ी है। तो चलो हम चलते हैं उसको डिस्क्लोज करने के लिए, उसको देखने के लिए। उस जगह पे जाना मना है लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। इस जगह को क्रॉस नहीं कर सकते पर हम रिस्क लेके जा रहे हैं। और देखो इसके अंदर यार, जंगल के अंदर पूरा एकदम मस्त रोड वोड बनाया गया है भाई, काफी मस्त रोड बनाया गया है। ये रेडियो बज कैसे रही है यार भाई, गाना बज रहा है। इधर भी एक रास्ता जाता है पर आई थिंक पता नहीं वो जाता है कि नहीं जाता, ये तो नहीं मालूम है मुझे। भाई यार ये सॉन्ग क्यों बज रही है यार, भाई मैंने म्यूजिक ऑफ कर रखा है यार फिर भी। भाई कॉपीराइट आएगा इससे तो सीधी टॉगल द वाइपर। तो वाइपर पे ऐसा कोई चीज शीशे पे तो था नहीं, मेरे को ऑन करने की जरूरत क्यों पड़ी। चलो बंद कर देते हैं। अच्छा हल्का हल्का बारिश हो रहा है, ऑन कर देते हैं। तो ये रही वो वॉल यार जिसको गवर्नमेंट ने ना वो कर रखा है भाई, ढककर मतलब इसको कवर कर दिया पूरे इस एरिया को। बहुत बड़ा वॉल है तुम देख सकते हो। अरे रे 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 रे, कहीं गड्ढे में लेके चला गया मैं भाई। ये म्यूजिक नहीं बंद हो रही है यार, ये सुरंग आ चुकी है। हेडलाइट्स ऑन कर लेते हैं भाई। चलो तो यहाँ से निकलते हैं ना टनल से भाई। टनल यार बहुत डरावना है, बहुत डरावना है यार, सच में बता रहा हूँ। ऐसे तो अभी नहीं लग रहा था डर यार, लेकिन अब तो लग रहा है भाई, अब लग रहा है। ये क्या हो रहा है, अजीब सी आवाज आ रही है। भाई कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे जैसे मैं करीब जा रहा हूं ना कुछ अजीब सी आवाज आ रही है भाई। किधर जाना है यार, इधर जाना है क्या भाई? वार्निंग दिखा हुआ है, लिखा हुआ है भाई कि इधर मत जाओ। अच्छा गाड़ी हमारा देखो यार, जो भी जिंदगी है ना गाड़ी में ही। आई थिंक गाड़ी में लग रहा है थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गया, वो कुछ आवाज़ कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मोटर गार्ड उसका टक्कर खा गया है भाई। अब तो डरावना लग रहा है यार इधर तो। ओ भाई कुछ अजीब सी आवाज़ आई यार इधर साइड में। ओ नो भाई, मैंने झूठ मूठ का पंगा ले लिया ऐसा लग रहा है।
भाई यहाँ से निकलते रहो, कुछ तो हो रहा है। ये देखो कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, देख रहे हो, देख रहे हो, कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। अरे ये तो बीचों बीच है। अबे इधर से जाओ, इधर से, इधर से। भाई जो बातें सुनी थी वो तो भाई बात सही है सच में। ओ नो, यहाँ पे कुछ है भाई, कुछ तो सामने हो रहा पर वो दिख नहीं रहा। ये देखो बस ऐसे महसूस हो रहा है मुझे। अबे ये क्या है, ये क्या हो रखा है? ओ नहीं, अबे क्या हो गया, लाइट चली गई अचानक से सारी, और मेरी गाड़ी भी बंद हो गई। ओ नहीं, ये कुछ चीज खींच रही है। ओ भाई बचाओ बचाओ। भाई हम तो कहीं उठे यार, कुछ तो हुआ हमारे साथ, पता नहीं। हमको वो रेड वाली चीज ना यार खींच ली अपनी तरफ, मुझे पता नहीं चला पर कुछ तो हुआ। और ये पता नहीं कहाँ पे हम आ गए, ये मेरी हेल्थ क्यों जा रही है? अबे ओलंपिक एक्सक्लूसिव, अरे उसके अंदर आ गए हम, जोन के अंदर। फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन, स्प्रिंट करने को कह रहा है। अबे ये गाड़ी थी क्या हमारी? भाई गाड़ी के तो टायर के पर कच्चे उड़ गए भाई, गाड़ी ही नहीं रही भाई, गाड़ी की इंजन, हाय रे वो गाड़ी गई यार। भाई ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन ही है, क्योंकि देखो इसमें फ्लेयर्स गिर ले, देख रहे हो रेडिएशन में ऐसे ही गिरता है, तो गिर रहे है यार। अभी रेडिएशन में जाऊंगा तो मेरी हेल्थ जाएगी यार, तो और हेल्थ जा रही है पर जाना किधर है मुझे ये नहीं मालूम चल रहा। भाई मैं रेडिएशन में पैदल कैसे चल सकता हूँ, मुझे उजाला वहां दिख रहा है, उधर चलते हैं। देखो रे, देखो देखो, ये रेडिएशन में ऐसे होता है, पर रेडिएशन को ऐसे हम देख तो नहीं सकते, पर इन रियल लाइफ पता नहीं, वैसे देखा तो है नहीं, क्या पता। यहाँ पे, यहाँ पे जो पानी के कलर है ना वो भी बदल चुके हैं, पर मैं कन्फर्म हूँ वो रेडिएशन ही है। इसको तोड़ू कैसे मैं, टूटता है क्या ये? नो, जंप करके निकलो यार यहाँ से। अब कैसे जाऊँगा आगे? अच्छा इसको लात मारनी है, मार दिया भाई लात। अब कहाँ जाओ? अरे वहाँ लाइट जल रही है, कोई उधर से बोल रहा है, कोई है क्या वहां पे? हाँ हेलो, कोई है? नहीं, ये कार में से आ रहा है ये आवाज। पुट ए व्हील व्हील बैक ऑन। हाँ यहाँ एक व्हील तो थी, ये रहा। अच्छा इसी इक्विपमेंट होगा, व्हील कहाँ लगानी, यहाँ लग तो गया। और भी है क्या? और तो नहीं लग रहा, फिलहाल तो यही है जो भी है। अच्छा गेट इन द कार, भाई कार बंद हो गई, बैठ तो गए। भाई कैसी कार है ये, अजीब सी। मेरी कार तो वैसे टूट चुकी है, आप क्या कर सकते हैं, कार यही सहारा है। स्टार्ट द इंजन, इंजन स्टार्ट करो भाई, टर्न ऑन द की। ओ तो ऐसे ही स्टार्ट होगी, वाली तो बस ऐसे ही चलती थी यार। तो चलो अब क्या दिया है, गाड़ी आगे नहीं जा रहा। पुट द कार इन ड्राइव मोड, आई थिंक ये, अच्छा इससे होगा। अच्छा ये पार्किंग वाला है, अच्छा तो जो रेडिएशन वो बढ़ रहा है भाई सामने से, हमको सेक्टर ई तक पहुंचना है कैसे भी करके। चलो सेक्टर ई की तरफ चलते हैं भाई, पता नहीं किधर है, उसने कोई तो दिशा बताया पर वो दिशा तो हमें दिख नहीं रहा, सामने लगा तो हुआ है। भाई मैं सिर्फ सुन सकता हूँ भाई, रेडिएशन है सामने। अच्छा उनको पता चल रहा है कि मैं सुन रहा हूँ। भाई ये गाड़ी नहीं टूटनी चाहिए बस, ये गाड़ी बहुत कबाड़ है, मतलब कबाड़ा है गाड़ी ये। कुछ तो हो गया, चेक योर ट्रंक टू द फ्यूल द कैन। अच्छा मुझे फ्यूल ट्रंक चेक करना है। अरे ये क्या हुआ भाई, रेडिएशन लग रही है। तो ड्राइव ईस्ट एंड फाइंड द शेल्टर। अच्छा मुझे यहाँ से कहीं से फ्यूल लेना है।
हाँ ये रहा ना। ओ ये बड़ा अच्छा तरीका है। ओ मैं भर सकता हूँ ऐसे भाई। तो हमें तेल लेके फाइंड योर टैंक। ओ तो हमारी गाड़ी की फ्यूल खत्म हो गई थी। अरे रुक जाओ यार, अभी नहीं, अभी 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 मैं इसको यार, हाँ लगा दिया भाई, उसको मैं लॉक करना भूल गया था, इसलिए गाड़ी पीछे जा रही थी। बस हो गया, इसको यहाँ रख दूँ कुछ। ओ नहीं भाई, जल्दी भाई, चल 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 चल, कुछ तो होने लगा यार भाई, ये फैलने लगे हैं। ओ नो 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 नो, ये भाई शीशे पे गिर रहा है, मैं रेडिएशन साफ कर रहा हूँ भाई, ये रेडिएशन ही है भाई। वो अचानक से कैसे बढ़ने लगता है, वो किसी के अंदर से निकल रहा है यार, क्योंकि जो नॉर्मल रेडिएशन होता है तो हर जगह फैला होता है। कोई ना तो कोई है, वो एक्चुअल में हमें वो दिख नहीं रहा, अगर मैं बताना चाहूँ तो। क्या बोल रहा है ये, इधर यार लाइट दिख रही है मुझे, पता नहीं शायद वहीं जाना होगा मे बी। ओ हाँ यहाँ पर भी, और ये बीच में ही आ गया। भाई ये तोड़ना पड़ेगा मुझे भाई, और आ गए भाई, और आ गए। आई थिंक मुझे यही आना है था, मे बी अंदर जाना है क्या तोड़ के भाई, घुस जाओ यार। ओ यहाँ लाइट दिख रहा है, आई थिंक मुझे यही आना था, यही आने के लिए बोल रहे थे ये मे बी। अरे अबे टायर निकल गया गाड़ी का। ओ भाई ओपी, तो ऑटो शॉप पे हम आ चुके हैं, गाड़ी बंद कर सकता हूँ आई थिंक, शायद मैं यहाँ पे सेफ हूँ मे बी। भाई गाड़ी का टायर निकल गया यार, अब मैं इसका क्या करूँ। फाइंड द वे इनटू द बिल्डिंग, देख लो गाड़ी का टायर मेरे सामने निकला, आई थिंक मैं यहाँ पे सेफ हूँ, ये मेरा सेफ हाउस हो सकता है मे बी। शॉप है यहाँ पे, हम अपनी गाड़ी रिपेयर करेंगे यार, या ऑटो शॉप है ना। चलो अंदर चलते हैं, अंदर की भी तो हालत कुछ सही नहीं है यहाँ पर मेरे को बुलाया क्यों। टर्न ऑन द पावर, फ्लिप द ब्रेक स्विच, ब्रेकर स्विच सॉरी, ये है क्या, सॉरी ब्रेकर स्विच बोलते हैं इसको, मेरे को नहीं पता। ठीक है जनरेटर ऑफ, पावर आ चुका है। ओ इनको पता चल गया कि हमने शॉप ओपन किया है। ये भगा क्यों रही है, पिक अप द बैकपैक फ्रॉम द टेबल। अटेंशन दिस मैसेज इज फॉर डॉक्टर ओफेलिया टर्नर, वी सेंड अ ब्रीचर टू योर गैराज ऑन ऑफिशियल जोन बिजनेस, नाउ वी हैव इट ऑन वेरी गुड अथॉरिटी that this person is in possession of a remnant which has taken the form of a car and well Get off the remnant thing, she's not gonna care. अच्छा उनको ये पता चल गया किसी ने तो यार गैराज ब्रिज किया है। बैकपैक किधर है? अच्छा तो मैं ये चीजें यूज कर सकता हूँ। दिया पिक अप द मैकेनिक्स आई हेडसेट एंड हैंगिंग बाय द मैप। ये किधर है? अच्छा ये है क्या, मैकेनिकल आई ये मैंने ले लिया है। दिया है टेंड योर ऑन एट द फर्स्ट एट स्टेशन। हमने ले लिया क्या ये? अच्छा मैंने अपने आप को हील कर लिया भाई। तो अभी क्या करना है? अरे ये टायर मेरा जो गिरा हुआ था तो इसको मैं इसमें लगा दूं। अरे तो पीछे गैराज है ना, गैराज में ले चलते हैं ना फिर। लगा तो दिया। अच्छा इसमें चीजें देख सकता हूँ कि कौन सी चीजें कितनी डैमेज है। चलो गैराज में ले चलते हैं इसको।
Don't break anything in my shop with those soft hands of yours. ठीक है भाई, बहुत गुस्सा हो रहे हो तुम. Fix the car, pull the car in, drive the car into the auto shop. ऑटो शॉप में कैसे हटेगा ये? अच्छा सॉरी, पीछे करने से ही हटता है. मैंने नहीं लगाया था पहले हैंड ब्रेक. ऑटो शॉप के अंदर ले चलते भाई, फिर से टायर मत निकल जाना. आई थिंक यहाँ पे गाड़ी ना थोड़ा सा रिपेयर हो जाएगी ठीक ठाक. ठीक है, निकालो भाई मुझे. तो यहाँ पे चीज़ें ना वो करनी है मुझे, ओपन हेडसेट, ओसी, स्टील डोर, ये सब चीज़ें रिपेयर करनी होंगी मुझे. तू खाड़ दिया मैंने इसको, तो रिपेयर कहाँ करूँगा भाई, रिपेयर कहाँ करनी है इसको? कोई तो जगह होगी. ओपन द हेडसेट ओसी. कैसे ओपन होता है? अच्छा ऐसे ओपन होता है. तो मेरे पास क्या क्या चीजें पड़ी हुई है? ये तो मैंने उठा लिया. डोर, डोर ये है ना, पर ऐसे कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा अगर देखा जाए तो. ये तो मैप था, इसको मैं अभी भी उठा सकता हूँ. स्टील डोर, वो तो मैं भी जानता हूँ कि मैं इसको केयर के वो कर रहा हूँ. आई थिंक यहाँ पे कहीं होता होगा. नहीं, ओपन हेडसेट ओएस, ये किधर है? ये क्या है? अभी कुछ बन के नहीं आ रहा है हमारे कार्ड. एड टू योर टू दिया क्राफ्ट रिप्लेसमेंट डोर. क्राफ्ट कैसे करेंगे? क्राफ्ट कैसे करना है भाई, ये मुझे अभी नहीं पता चल रहा. क्राफ्ट आई थिंक मेरे इसी के अंदर होता होगा. यहाँ पे तो कुछ है नहीं, वैसे खाली है. हैंड्स, इन्वेंट्री में कुछ नहीं है, तो मुझे अभी नहीं पता चल रहा यार. ओपन हेडसेट ओएस क्या है, ये चीज किधर दिखती है? हाँ यहाँ पे कुछ है, ये भी कुछ है यार, ऐसा पता नहीं चल रहा मुझे क्योंकि इसमें लाइट जल रही है ना. एक और ये कुछ है, बैटरी शॉर्टेज लगी हुई है. ये दरवाज़ा खुलता है क्या? ये लॉक है यार, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा ना. हमने तो उसका दरवाज़ा उखाड़ लिया भाई. नहीं ये तो सही है दरवाज़ा का. अच्छा हेल्थ थोड़ा सा कम है, बाकी चीज़ों का भी हेल्थ देख सकते हैं, पर ओपन करने का कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा मुझे. अच्छा इसको अपग्रेड किया जा सकता है, और भी चीज़ें उखाड़ी जा सकती हैं. रिपेयर, ये देखो मैंने निकाल तो लिया. हुआ रिपेयर? नहीं नहीं हुआ है. इसको भी मैंने निकाल लिया. सबसे बड़ी दिक्कत है कि ओपन ये हेड वाला है किधर, और इसको मैं रिपेयर करूँगा कहाँ? रिपेयर करने का जो भी जुगाड़ है ये यहीं पे है. तो हमने एक ब्लूप्रिंट बना ली है, तो ब्लूप्रिंट दिखेगा किधर? अच्छा यहाँ वहाँ कुछ करना है. अरे एक बार यहाँ बुलाता, एक बार वहाँ. भाई खांसी भी बहुत आ रही है यार मुझे, यहाँ देख लेते हैं. तो ये रहा भाई जो भी ब्लूप्रिंट है. मैकेनिक किट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मुझे शायद यहाँ रखनी है टूल बॉक्स से उठा के ऐसे. ठीक आ गया मेरे हाथ में, अब शायद मैं इसको काट पाऊँगा जो भी है. खुल जा भाई, ओपन इन्वेंट्री. हैंड में लेना है ना ऐसे, हाथ में, हाथ में. हाँ खुल गया, इसमें से और सामान मिले. भाई ये घूमता नहीं है क्या? थोड़े से गिलास उलास मिले हैं टूटे हुए.
चलो हो तो गया, ट्रंक से ये चीज मिली है। और फ्यूल वाला कैसे होगा? फ्यूल वाले के लिए मुझे टंकी लेके आनी पड़ेगी, इससे फ्यूल निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ जाने को कह रहा है। अबे ये क्या है इसके अंदर? अबे एलियन होनी है नहीं क्या ये? क्या है क्या ये चीजें फेंक रहा है भाई ये? ये मैंने कुछ तो उठा लिया, पता नहीं क्या है अब इससे। अरे ये कुछ, अबे ये गेदर द आइटम फ्रॉम द अबेंडेंट कार। अच्छा इसको काट सकता हूँ भाई। हल्की हल्की गेम ना मेरी लैग हो रही है भाई, इससे सामान मिल रहा है, एपीएस बहुत कम आ रहे हैं, सच बता रहा हूँ। गेम बहुत हैवी है आई थिंक। सब नहीं काट सकता मैं क्या? अच्छा यही सारी चीजें काट सकते हैं जो जो चीजों पे दिख रहा है। चलो स्क्रैप ले लिया हमने, इससे ही बना सकता हूँ उस गाड़ी का जो भी डोर वगैरह बना लिया। टायर भी काटो भाई इसका। थोड़ा सा ये सर्वाइवल गेम है ना, तो थोड़ा सा ये सारी चीजें तो रहेंगी इस सीन। इधर का टायर हाँ ये भी काटो। इसमें तो टायर ही नहीं है। इंजन भी निकाल सकते हैं क्या इसका? नहीं अभी जाने को कह रहा है उधर। अब तो कोई चीज़ बचा ही नहीं है इसमें ना, सब हमने निकाल लिया। चलो चलते हैं। आओ देखे मैं बोल रहा था ना यहीं कुछ बनाना होगा। किधर से भी बना सकता हो ठीक। हाँ तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट एड किट। नहीं हमें डोर बनानी है। अच्छा डोर अब हम यहाँ बना सकते हैं। तो पहला हमने डोर बना लिया। अच्छा डोर आ गया मेरे हाथ में। अच्छा कहाँ का डोर है ये भी देखना पड़ेगा। ओह तो मुझे और अभी तो पहले मैं अपने साइड का सेफ्टी रखूँगा। चलो तो ये लगा दिए यहाँ का डोर। आई मे बी आई थिंक कि और बना सकते हैं डोर। मिसिंग इंग्रेडिएंट्स यार, क्या मिसिंग हो रहा है भाई? प्लास्टिक और डक्ट टेप भाई नहीं है हमारे पास। वो रहता तो मे बी शायद बन सकता था। ये साइड वाले जो पैनल्स होते हैं पीछे के नहीं है, तो हमें ना ले के आने पड़ेंगे। अच्छा यहाँ पे दिया था, ये देता है क्या? इसने दिया था ना सामान, दिया था यार इसने। अबे नहीं है दिया यार, ये तो गुस्सा हो गया लग रहा है। तो हमें इसी तरह के ना और भी अबेंडेंट कार ढूंढने पड़ेंगे यार, जिससे हमें सामान मिल सके। और इसका क्या करूँ मैं? स्क्रैप क्राफ्टिंग आइटम्स ये भी तो काम आएंगे ना। काट दिया मैंने इनको। चलो क्या पता इनको मिला के कोई एक चीज बन जाए। वार्निंग, वार्निंग क्यों? अच्छा ऐसे ही इस्तेमाल हो सकता है क्या ये? डोर लाया मैं कि साइड वाला लाया था ये? कांट कांट क्राफ्ट दिस, वही तो। फेंको इसको, इधर फेंको। वार्निंग देने का कोई मतलब नहीं है, वो तो मैं नया बना सकता हूँ। मे बी यार अब मैं ना वो कर सकूँ डोर क्राफ्ट। हाँ एक डोर और क्राफ्ट हो सकता है। चलो हो गया एक और डोर क्राफ्ट। तो साइड वाला एक यहाँ का लगा देते हैं। फ्रंट डोर में भी लग गया, अभी पीछे के रह गए। यहाँ पे भी कुछ डालना यार, ट्रंक स्टोरेज भी हम डाल सकते हैं इसके अंदर, पर है ही ना हमारे पास। ट्रंक क्राफ्टिंग, अच्छा ट्रंक के अंदर क्राफ्टिंग भी डाल सकता हो। अभी क्या दिया है? इंस्टॉल द क्रूड डोर और सर्च फॉर द क्रूशियल आइटम्स इन द डंपस्टर। किधर है? और भी गाड़ियाँ होंगी ना तो मैं काट काट के इधर लगा लूँगा यार। है क्या इधर? एक काम करते हैं उसके छत पे घूम के आते हैं, तो हमें पता चलेगा कि इधर और भी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं क्या। अरे इधर रोड है यार बगल में, तो ऐसे तो दिख नहीं रही हैं, तो हमें रास्ते से यार गाड़ियों का ना स्क्रैप काट काट के लेके आना पड़ेगा अपने पास। तो अभी तो हमारे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हैं यार, इनको कहीं ना तो कहीं तो रखना पड़ेगा। इनको जैसे अगर कहीं मैं स्टोर करके रख पाता
आसानी से, तो ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती। इनको थोड़ा सा रखने का समस्या है, ये अपने साथ तो लेके जाना ही पड़ेगा जो चीज़ें जा सकती हैं। ये घूमता ना यार, तो थोड़ा सा मज़ा आता मुझे। अच्छा, आर से रोटेट हो सकता है। चलो ये इधर भी आ गया, इधर थोड़ा सा जगह इधर बच गया। भाई स्क्रू स्क्रू पड़ी है, डक्ट टेप तो है मेरे पास वैसे एक। रास्ते में से हमें ढूंढ, ये दरवाजा खुलेगा क्या? नहीं, ये लॉक है। कुछ देगा भाई तू? हाँ ये देता है यार थोड़ी देर में। ओ इसने दिया, इसने दिया भाई। अरे ये तो सीधा लगा सकता हूं मैं। ओ इसकी हेल्थ भी सही है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। अरे नहीं 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 क्या कर रहे हो? उठाओ इसको चुपचाप। ये क्या है? लॉकर? अबे बहुत सारी चीज़ें तो लॉकर में रखी हुई हैं। ये देख लो भाई, इसके अंदर ये भी रखा है, रिपेयर पुट्टी भी रखा। अरे रिपेयर पुट्टी क्या है ये तो मैं जानता ही नहीं था। तो लॉकर का हमें इस्तेमाल करना है भाई। तो अभी ये हमारे पास क्या है? स्टील शीट लेके कहाँ घूम रहा हूँ? ये स्टील शीट है ना ये वाली? आई थिंक यहाँ लगा देते हैं ना, इस पे लगाने का तो ऑप्शन दे ही रहा था। ये पैनल को मैं काट दूंगा। फेंको इसको, ये पैनल नहीं लग रही। एक मिनट, नहीं रुको एक मिनट, इस साइड में लगता है ना। हाँ लग गया भाई, हेल्थ भी इसकी सही है। ये पुट्टी क्या है भाई? ये पुट्टी निकालो। अभी भी मेरे पास ये स्टील शीट पता नहीं क्यों, क्या है, क्या कर रहा है मेरे पास। अच्छा ये ले रखा है मैंने स्टील शीट। स्टील शीट कहीं लगती है क्या? स्टील शीट का इस्तेमाल नहीं मालूम मुझे। स्टील शीट का कुछ तो करते होंगे। इसको स्टोरेज में रखो, स्टील शीट को। स्टील शीट आ चुकी है स्टोरेज के अंदर। ये पुट्टी कुछ तो करता है, और बाकी सारी चीज़ें ना स्टोरेज के अंदर रख देता हूँ। ये फ्लेयर फ्लेयर पड़े हुए थे मेरे पास। अच्छा ऐसे मार देता है भाई। रिपेयर हो गया क्या ये? अभी ये तो रिपेयर हो गया ऐसे टायर पे भी क्या? भाई रिपेयर हो रहा है पुट्टी से। अरे तो फिर तो स्क्रैप यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो ले के साथ में घूमा जा सकता है। ये सही, थोड़ा सा ख़राब है, रुको इसको सही कर देता हूँ। ये थोड़ी येलो की एनियल टेक्नोलॉजी आ चुका है। यहाँ पे पैनल्स नहीं है और कोई चीज़। ये वाला टायर थोड़ा सा ख़राब है, पुट्टी मार दो इस पे। एक और मारना पड़ेगा लग रहा है। नहीं हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ ये वाला दरवाज़ा ज़्यादा ख़राब है। अबे टूट गया। अरे नहीं यार, यार थोड़ा सा रह गया था यार वो। पुट्टी और दे दो यार। आ मिलेगा कैसे वो? इसके अंदर एक केमिकल पड़ा हुआ है, केमिकल लिखा हुआ है, पता नहीं केमिकल से क्या होता है। स्टील शीट तो यहाँ एक रखा हुआ है मैंने। और देखते हैं कोई और ब्लू प्रिंट यार क्राफ्ट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा। पुट्टी रिपेयर, अच्छा रिपेयर पुट्टी हमको चाहिए। हाँ इसको क्राफ्ट करो। ये हमको चाहिए, इसी से तो काम हो सकता है भाई इजी। इसको जब तक तो पूरा फेंक ना दे, ऐसे पकड़ के रखना है। एक बार और भाई प्लीज। लग रहा है धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगा, पूरा हो ही गया। अरे इधर का तो पैनल पूरा खराब है, देखो रिपेयर हो रहा है, दिख रहा है ये धीरे 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 दिख रहा है, देखो रिपेयर हो गया। तो भाई ये पुट्टी तो रखते हैं अपने पास, ये काम का है। पुट्टी रखो अपने पास भाई, या तो यहीं रख सकते हैं स्टोरेज में ही, लॉकर में ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे तुम्हें क्या हो रखा है भाई? तुमको क्या हो रखा है? ये रिपेयर होगा इधर जी। ये है टायर, टायर को ऐसे नहीं रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल तो ये सही है अगर देखा जाए।
अभी तो कुछ करना नहीं है। यूज द रिपेयर पुट्टी टू द रिपेयर द कार कार स्ट्रक्चर पार्ट। अबे कह रहा है कि नहीं इस्तेमाल करो, अभी कुछ बचा है, अभी 94% ही हुआ है भाई। थोड़ा सा गेम वैसा तो है, अभी 90 कुछ कहाँ कहाँ भाई, तुम रह गए हो क्या, यहाँ रह गया क्या थोड़ा सा। 94% रिपेयर हुआ है भाई, 100% चाहिए, चाहिए सामने वाला रह गया था। चलो 100% हो गया। फिक्स द फ्लैट, ओके रिपेयर द फ्लैट बाय द क्राफ्टिंग एंड यूजिंग द सीलिंग किट। सीलिंग किट फिर क्या है, रिप्लेस विद द फ्लैट विद द स्पेयर टायर फाउंड इन द लॉकर। लॉकर ये टायर है, अरे हाँ स्पेयर टायर है ये तो। ठीक है तो काम करता हूँ, तुमको बदल देता हूँ। ये रहा, अरे यार तो इससे बनेगा ये, पहले बताना चाहिए था। अरे अरे सामान मत फेंको, आई थिंक इसको लगा के करना होगा। रुको तो फेंक दे रहा है, ओ पूरा भरने पे होता है। ओ सेम चीज़ यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अरे सीलिंग किट टूट गई यार, अबे कैसा सीलिंग किट था भाई। तो हमें रबर ओवर चाहिए, एक काम करता हूँ उसको रिप्लेस कर देता हूँ इससे, स्क्रैप टायर से। चलो भाई तुम निकलो, तुमको तोड़ दूँगा मैं। थोड़ा सा गेम थोड़ा सा अलग है ना, स्क्रैप टायर लगा देते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया भाई जोन प्रिपरेशन। तो हमारा टायर तुमको तो काट दूंगा। ओके जोन प्रिपरेशन ये कुछ है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो अभी हमें जाना है कहीं, हम सारी चीज़ें रख रहे हैं इसके ट्रंक के अंदर। ओ ये हमारा इंडोर ट्रक, ओ ये हो गया ट्रंक हो गया भाई। तो ये सारी चीज़ें रख दो, रिपेयर किट ये हाथ में रखते हैं ना तुरंत काम आएगा। इसके अंदर स्क्रू वगैरह रख देते हैं, ये पता नहीं क्या है, प्लास्टिक है। स्क्रैप भी इधर रख देते हैं, स्क्रैप्स वगैरह इधर रख देते हैं, इनका क्या ज़रूरत है। ग्लासेस भी इधर रख देते हैं। चलो हमारे हाथ में स्क्रू बार होना चाहिए बस। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें आ गई, तो ये रही हमारी क्राफ्टिंग वाला, ये हम लेके चल सकते हैं इसको। ओ देयर्स अ लिटिल प्रोटोटाइप ऑफ माइन इन द गैराज, द आर्क डिवाइस। और भी है, ये आर्क डिवाइस है जो हमें अपनी कार के अंदर फिट करनी है। चलो आओ फिट करते हैं, खुल जा भाई। ये आर्क डिवाइस का काम क्या होता है? ओ इक्विपमेंट लग गया भाई इसके अंदर। This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. ठीक है। You should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. इसको तो मैं काट दूँगा। That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. इसके अंदर से ना मेडिकेट ले लेते हैं। ये हमारे काम का है। ग्लास निकाल के उसके अंदर रख लेता हूँ। फ्लेयर एक काम करते हैं, ये सब लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना अपनी कार के अंदर रख ले। नहीं ये अभी इसको, क्योंकि अब हमारे पास क्राफ्टिंग मटेरियल जो है ना अब हमारे कार के अंदर ही हो चुकी है। फ्लेयर लेके चलते हैं यार, पता नहीं किस लिए दिया था, जो भी है जिस भी काम के लिए दिया तो है, तो इसको यहाँ रख लेते हैं। और ये हमारे पास स्टील शीट एक पड़ी हुई है, चलो हमने रख लिया। मेडिक किट का भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ सिलेंडर्स हैं, क्या है ये, ब्लू प्रिंट गेयर है। ओ
पिक अप ऑफ द इम्पैक्ट हैमर, इम्पैक्ट हैमर, ये हैमर है तो तेल भरने वाला है। अच्छा यहाँ पे हम फ्यूल अप कर सकते हैं, तो हमारे पास फ्यूल बहुत सही है। ठीक है अब हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो हो गया, तो अभी और क्या रह गया, ये क्या है कोई चीज। प्रोजेक्टर एट द वॉल, इसकी बात हो रही है क्या? नहीं यहाँ पे प्रोजेक्टर सेट करेंगे। The shape, size, and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does constantly. It's caused by something we call instability. You're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. Hmm. We can only survive in here within pockets of stability. ठीक है. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The arc device in your car will then show you where you need to go. हमें arc device वहाँ से कुछ लेना वगैरह है, and then हमको एक antenna establish करनी है अपने इस वाली जगह पे। तो ये सारी चीज़ें करनी है यार। यहाँ पे कुछ इसने फेंका है, फ्यूल कैन फेंक दिया यार इधर, ऐसे कोई चीज़ें थोड़ी फेंकता है। फ्यूल कैन यार रखने की जगह तो थी ना, फ्यूल कैन रख दिया हमने इसके अंदर। वहाँ कैसे चला गया था पता नहीं, आई थिंक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से चला गया होगा। अच्छा यहाँ से लगता है हमें इलेक्ट्रिक शॉक जो भी है। तो अभी देखो सेलेक्ट द डेस्टिनेशन यूजिंग द मैप ऑन द वॉल, तो अब काम करते हैं बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो बहुत बड़ी ना हो यार, अच्छी बात रहेगी। अभी फिलहाल तो इतना तो गेम समझ में आ गया कि करना क्या है, चीज़ें कैसे इस्टेब्लिश करनी है। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा, जब आप भी खेलो तो कैसे क्या करना है। भाई थोड़ा सा तो टाइम लगा, भाई ये गेम ही उस तरह की है तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो चलो अभी फिलहाल बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना हम जाएंगे वहाँ पर जहाँ हमें जाना है, एक्चुअल में जहाँ हमें दिया गया है, वहाँ से हमें आर्क रिएक्टर को कुछ तो करना है, उसके साथ कोई चीज़ लेके आनी है। फिर हम वहाँ पे टावर इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे, जिससे हमें और भी जोन्स का पता चलेगा जहाँ जहाँ हमें घूमना है। तो अभी चलो बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तो वहाँ जाएंगे जहाँ वो डेस्टिनेशन दिया। भाई ये गेम बहुत मज़ेदार है यार, बहुत मज़ेदार है, अच्छा लगा। थोड़ा सा है वैसा पर अच्छा लगा। चलो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और हो सके तो यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस तरह का मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए यार बाय बाय, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ।